जर्नी टू सक्सेस की आज की वीडियो का टॉपिक है डोसा इकोनॉमिक्स। हम बहुत ही न्यू वे में डोसा इकोनॉमिक्स समझने वाले हैं। क्या है डोसा इकोनॉमिक्स आखिरकार, ठीक है? सो डोसा इकोनॉमिक्स जो टर्म है दैट वाज कॉइंड बाय, मतलब ये टर्म दी थी एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने 2016 में। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो इन्फ्लेशन है उसका क्या इफेक्ट होता है किसी भी पर्सन की परचेजिंग पावर में, मतलब जो भी महंगाई है उसका किसी भी पर्सन की परचेजिंग पावर पर क्या इफेक्ट आ जाता है। चलो जानते हैं डोसा इकोनॉमिक्स को। सो 2013 में जब राजन जी गवर्नर बने, सो बैंक्स थे जो इंडिया के, वो उस टाइम पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे थे एफडीज पे अराउंड 10%, और उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन रेट था दैट वाज आल्सो वेरी हाई, दैट वाज अराउंड 10% ओनली, ठीक है? सो उस टाइम पे जब ये आए एज अ गवर्नर 2013 में, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा थे और साथ में ही इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा थी। बट 2016 में क्या किया इन्होंने, जो एफडीज पर इंटरेस्ट रेट मिलते थे उनको घटाकर कर दिया गया अराउंड 8%। एज अ रिजल्ट जो इन्फ्लेशन थी, जो महंगाई थी, वो भी कम हो गई और वो आ गई अराउंड 5.5%, ठीक है? तो उस टाइम पर जो बहुत ज्यादा रिटायर्ड लोग थे वो इनका क्रिटिसिज्म करने लगे कि इन्होंने जो एफडीज पर इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। सो उस टाइम पर आरबीआई के जो गवर्नर जी थे उन्होंने समझाने के लिए यूज किया डोसा इकोनॉमिक्स, मतलब लोगों को समझाने के लिए कि इंटरेस्ट रेट कम करने के क्या फायदे हैं, उन्होंने ये टर्म यूज की डोसा इकोनॉमिक्स, जिसपे उन्होंने ये स्टेट किया कि अगर हायर इन्फ्लेशन है एंड हायर इंटरेस्ट रेट है वो इतने बेनिफिशियल नहीं होंगे जितने कि लोअर इन्फ्लेशन एंड लोअर इंटरेस्ट रेट होंगे। सो इनको समझाने के लिए जो रिटायर्ड लोग थे जो गवर्नर जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो इन्होंने यूज किया ये डोसा इकोनॉमिक्स टर्म कि जो लो इन्फ्लेशन है एंड लो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल, ठीक है? सो उन्होंने समझाया कि लो इन्फ्लेशन एंड लो इंटरेस्ट रेट्स आर बेटर विद एन एग्जांपल ऑफ अ डोसा। सो उन्होंने रिटायरीज को बोला, सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है और आप आज डोसा की कॉस्ट मान लो 50 रुपीज है, सो आप 2000 डोसास खरीद सकते हैं। मान लो आपको जब हम 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो जितने पैसे उनके पास हैं और जितना पर यूनिट कॉस्ट है डोसा की, उससे 2000 डोसास खरीद सकते हैं सपोज। वैसे ही अगर हायर इंटरेस्ट रेट एंड हायर इन्फ्लेशन है, सपोज 10% इंटरेस्ट रेट है एंड 10% ही इन्फ्लेशन है, उस टाइम पर अगर कोई भी रिटायरी है उसको 1 लाख के ऊपर 10,000 इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सो उनकी इनकम हो जाएगी 1,10,000, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है? एंड इन्फ्लेशन भी 10% से बढ़ रहा है, सो ऑब्वियसली जो प्राइस है डोसा का वो 50 से कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। सो उस पैसे से भी वो 2000 डोसा ही खरीद पाएंगे, सो उनका जो नेट गेन ऑफ इन्वेस्टिंग है दैट वुड बी जीरो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज्यादा हाई होगी। So, उन्होंने समझाया कि जो लोअर इंटरेस्ट रेट है उससे इन्फ्लेशन ज्यादा डाउन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 8% इंटरेस्ट रेट उनको एफडीज पर मिल रहा है, सो रिटायरी को 1 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, 1,08,000, और इन्फ्लेशन रेट जिसकी वजह से सिर्फ 5.5% ही रह गया, सो एक डोसा की जो वैल्यू बढ़कर हो जाएगी वो दैट वुड बी अराउंड 52.75। सो अब वो पहले कहीं तो सिर्फ 2000 डोसा ही खरीद सकते थे एंड अब वो कितने डोसा परचेज कर सकते हैं, 2048 डोसास। सो आपको आई होप कि जब भी आप डोसा खाओ तो आपको हमेशा ये जो डोसा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है वो हमेशा याद रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।